जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड को बुरी तरह से हराने के लिए दूसरे टेस्ट महामुकाबले में भारतीय टीमों में बीसीसीआई ने रातों रात कर दी। चार भूखे शेरों को एंट्री, जिसे देखते ही इंग्लैंड की टीम डर से थर थर कांपने लगी। बताएंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वही दोस्तों, टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से विशाखापट्टनम के डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी एसीएवीडीसी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वही पहले ही टेस्ट में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ रहा और टीम इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही है, जहां टीम इंडिया को सीरीज के पहले मैच में 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। और टीम इंडिया ने अपनी सरजमी पर आखिरी टेस्ट सीरीज साल 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हारी थी। इस मुकाबले में दोनों टीमें भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेलने उतरेंगी। वही दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट 2 फरवरी से खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया में कई बदलाव नजर आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सरफराज खान और रजत पाटीदार की हो रही है कि इन दोनों में से टीम मैनेजमेंट किस खिलाड़ी के साथ जाएगा। जबकि दोस्तों, कई पूर्व क्रिकेटर्स ने इस पर अपनी राय दी और अब साउथ अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स ने भी इसे लेकर बयान दिया है। एबी डिविलियर्स ने अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए कहा, ये मेरे लिए काफी दिलचस्प होने वाला है और सरफराज खान के फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड कमाल के हैं। अगर कोई खिलाड़ी खेलने का सबसे बड़ा दावेदार है तो वो है सरफराज खान। उन्होंने 66 इनिंग्स में अब तक 3912 रन बनाए, साथ ही 14 शतक और 1150 भी लगाए हैं। ये हर कोई नहीं कर सकता और कोई नॉर्मल बात नहीं है, डिविलियर्स ने आगे कहा। मैं जानता हूं कि सरफराज खान को इतने बड़े लेवल पर खिलाना एक बड़ा कदम होगा, लेकिन इसकी उम्मीद काफी ज्यादा है कि उन्हें जरूर मौका मिलेगा। हालांकि रजत पाटीदार भी बढ़िया खेल रहे हैं। बता दें कि 45 फर्स्ट क्लास मैच में सरफराज खान ने अब तक कुल 3912 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 69 के औसत से रनों का अंबार लगाया है और सरफराज खान का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 301 रन नाबाद रहा है, जो उन्होंने साल 2020 के रणजी सीजन में उत्तर प्रदेश के खिलाफ लगाया था। अब देखना यह होगा कि टीम मैनेजमेंट दूसरे टेस्ट मैच में किसे मौका मिलता है। जबिक दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच अब करीब है। दोनों टीमें इस वक्त विशाखापट्टनम में हैं और अपनी अपनी तैयारी में जुटी हैं। इस बीच रणनीति पर विचार हो रहा है, साथ ही कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्हें डेब्यू का मौका मिल सकता है। अब टीम मैनेजमेंट किस पर मेहरबान होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मुकाबला 2 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा, वहीं इससे आधे घंटे पहले टॉस होगा। वही दोस्तों, दूसरे टेस्ट से पहले केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के बाहर होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर, सौरभ कुमार और सरफराज खान की टीम में एंट्री हुई है। वहीं रजत पाटीदार पहले से ही टीम के साथ जुड़े हुए हैं और सुंदर को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ियों को अपने पहले मैच यानी टेस्ट डेब्यू का इंतजार है। रविंद्र जडेजा की जगह वॉशिंगटन सुंदर या फिर कुलदीप यादव को मौका मिला सकता है। वहीं केएल राहुल की जगह रजत पाटीदार या फिर सरफराज में से एक को मौका मिलना करीब करीब तय माना जा रहा है। जब एक दोस्तों इंग्लैंड की बात करें तो वहां से कम एक डेब्यू हो सकता है। इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीथ चोटिल होकर दूसरे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, इसका ऐलान इंग्लैंड की ओर से किया जा चुका है। और टीम के लिए ये अच्छी बात है कि उनके दूसरे स्पिनर शोएब बशीर भारत आ चुके हैं। वे पहले अपनी टीम के साथ ही आने वाले थे, लेकिन वीजा के कारण वे दूरी से भारत पहुंच पाए। शोएब बशीर ने भी अभी तक अपनी टीम के लिए एक भी टेस्ट नहीं खेला है, यानी अगर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो उनके लिए डेब्यू होगा। इस तरह से भारत की ओर से 1 से 2 और इंग्लैंड की ओर से कम से एक डेब्यू जरूर होता हुआ नजर आ सकता है। इस तरह से देखें तो कई सारे नए खिलाड़ी अगले मैच में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया जिन 4 स्टार खिलाड़ियों के बिना खेलेगी, उन खिलाड़ियों में विराट कोहली, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल का नाम शामिल है। पिछले कुछ समय से ये चारों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में थे, लेकिन दूसरे मैच में टीम इंडिया और फैंस इन खिलाड़ियों को मिस करेंगे। विराट कोहली और मोहम्मद शमी तो सीरीज शुरू होने से पहले ही बाहर थे, लेकिन रविंद्र जडेजा और केएल राहुल सीरीज के पहले मैच के दौरान चोटिल हुए और दोनों खिलाड़ी दूसरा मैच नहीं खेल सकेंगे। विराट कोहली ने सीरीज शुरू होने से पहले निजी कारणों के कारण ब्रेक लिया था, वहीं शमी अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हो सके हैं। इन चारों खिलाड़ियों के बाहर हो जाने से रोहित शर्मा पर दूसरे टेस्ट मैच के दौरान काफी प्रेशर रहने की उम्मीद है और मोहम्मद शमी पहले ही चोट के कारण सीरीज से बाहर है। अगर शमी फिट होते तो हर हाल में टीम के लिए खेल रहे होते। पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने जरूर विकेट निकाले,
लेकिन मोहम्मद सिराज अपने प्रदर्शन से प्रभावित नहीं कर पाए, यानी टीम को शमी की कमी जरूर खली होगी। इस बीच जब पहले दो टेस्ट के लिए टीम का ऐलान किया गया तो उसमें विराट कोहली भी थे, लेकिन अचानक पता चला कि कोहली ने खुद ही दो टेस्ट से अपना नाम वापस ले लिया है। अभी तक ये साफ नहीं है कि कोहली बाकी मैच खेल पाएंगे या फिर नहीं। इस बीच रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने हैदराबाद टेस्ट में कमाल की बल्लेबाजी की थी।